क्या जी? कैसे टूट गया वो छोड़ू? किसने तोड़ा उसको? आपको टूट गया वो? आपको तो नहीं टूटा वो यार। की चूट महाराज ठीक पंजी दस आ जा उल्टा में मैं अगर चाय में चाय गिलास था भाई कहाँ गया मैं कांटे ही कांटे क्या हाल कर दिया भाई बालों का भाई खड़ खड़। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल डी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज के ब्लॉग शुरुआत हो रही है भाई फिर से सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी जस्ट अभी अभी भाई धूप निकल कर आ रही है भाई देखो और फिर से भाई मैं रेडी हो रखा हूँ हल जाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बता दिया था कि भाई कुछ दिनों तक आप लोगों को ऐसे ही ब्लॉग की शुरुआत देखने को मिलेगी सुबह के 8 बजे से हल जाने से घर आने से भाई। तो अभी फिलहाल फिर से हल जाना पड़ेगा। अभी जस्ट उठा मैं, चाय पी रखी है और पिंडा का डिनर लेकर सीधे जाऊंगा भाई गौशाला में, बैलों को घास दूंगा, उसके बाद जो भी होगा आगे दिखी जाएगी भाई। तो चलिए भाई फिलहाल चलते हैं। साहब ठंड हो रही है भाई बहुत ज्यादा तगड़ी वाली। वो तो सही हुआ कि मैं टोपी लेकर आ गया भाई, हाथ जम जा रहे हैं भाई। अगर जेब से बाहर निकाल रहा हूँ ना हाथ, हाथ जम जा रहे हैं। अभी देखो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई कितना वाली ठंड लग रही है, क्योंकि आज आसमान क्लियर था तो भाई आज पाला भी जम रखा है इसलिए भाई इतनी ठंड भी हो रही है भाई। कैसा पाला जम रखा है भाई, बिल्कुल खेत सफ़ेद हो रखे हैं भाई पाले से देखो। तभी तो इतनी ठंड हो रही है भैया। चलिए भाई पहुंचने वाला हूँ मैं, सूर्य देवता के दर्शन में होने वाले हैं भाई यहाँ से। जय हो सूर्य देवता के। चलिए अभी बैलों को घास भी दे दिया है, अब 15 से 20 मिनट में घास खाने में लगेंगे उसके बाद हल जोतेंगे भाई। तब तक मैं मस्त करके भाई धूप सेक लेता हूँ भाई, कल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी भाई इस साइड को और आज तो धूप निकल कर आ रही है, आज उतनी ठंड नहीं लगेगी भाई। तो एक हे वाला लगाना है और एक जस्ट इसके नीचे यहाँ पर भाई, एक ये वाला लगाना है, एक छोटा सा टुकड़ा ये है और एक ऊपर वाला है भाई। चार खेत आज हल लगाने, बाकी ये सारे नीचे के कल और परसों लगा दिए भाई। ये देखो इतने खेत। तो चलिए भाई अभी बैल भी जोत दिए हैं तो अब भाई हल लगाते हैं ये वाला खेत, उसके ऊपर वाला खेत और तीन चार खेत आज हल लगाने हैं भाई। आज का हल का कोटा इतना ही है भाई टोटल। कालू तो भाई अभी लास्ट, अभी भाई चार खेत लग चुके हैं हल और पांचवा खेत ये वाला लग रहा है जिससे कि भैया जी लगा रहे हैं, इससे पहले वाला मैंने लगाया। और ये देखो सारे मारने के लिए आ रहे हैं, आ जा इधर आ इधर आ इधर आ जा
कल वे क्या हाल कर दिया भाई बालों का भाई। ऐसे भी बाल दो नहीं रखे मैंने, वो और चाट रहा है उन्हें। तो चलिए भाई यहाँ तो लग चुका है हल, और अब मैं जा रहा हूँ भाई हल रखने। तो रास्ता ही नहीं है भाई, कहाँ आ गया मैं, कांटे ही कांटे। तो भाई यहाँ गौशाले के पास वाले खेत सारे हल लग चुके हैं, और अब जाना है नीचे हल रखने भाई, जहाँ की कल हम लोग हल रखेंगे। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है भाई, हल रख के आना है, फिर कल सुबह यहाँ से बैलों को घास दे के लेकर जाना है, फिर भाई कल वहाँ लगाना है हल। तो चलिए भाई फिलहाल हल को ढंग से पकड़ना पड़ेगा मेरे को। पार भी देख रहे हैं अच्छा। तो अभी भाई टाइम शाम के 3:30 हो चुका है, और अभी भाई चमन सिंह मेरे लिए चाय लेकर आ गया भाई। मैं थोड़ा सो गया था यहाँ पर लेट, यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रहा था, तो एडिटिंग करते करते नींद आने लगी थी, तो थोड़ा सा यार 10 मिनट में सो गया, इसलिए शकल ऐसी हो रही है अभी। क्यों चमन सिंह, धान को ने अच्छा हॉलो मोटे समय तो नहीं चाहिए आज। की चुट तुम्हारा आज ठीक है पंजी दस आ जा उल्ट काम है ठीक है। मैं अगर चाय में चाय गिलास था क्यों बोलो लो गाइस बोलते कुछ आज बहुत क्या है। चाय भी निपटा ली है और फिर से लग जाते हैं भाई काम पे, गड्ढा खोदने पे भाई, अपने लिए नहीं लैट्रिन बाथरूम का गड्ढा भाई। चमन सिंह भी आ रहा है बल मेरे साथ, कहाँ है वो दिख नहीं रहा है, यहाँ कहाँ होगा, ट्रक लेके आ गया वो अपना है। क्या जी कैसे टूट गया वो, छोड़ो किसने तोड़ा उसको, आपको टूट गया वो, आपको तो नहीं टूटा हो यार, टेंगे 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 हो गए, वहाँ मत जा वहाँ मत जा, तू चल बाद में ले चल मैं था। ये देखो भाई 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा काम हो चुका है, अभी इतना काम और बचा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई। देखो डेरे का यही काम है मेरा आजकल शाम को, तो भाई यहाँ पर ना बहुत यहाँ पर बहुत हार्ड पत्थर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है भाई इसे तोड़ने में। हाँ भाजी हैं दे। तो भाई 1 घंटा हो चुका है मुझे काम करते हुए, और सिर्फ मिट्टी हटा पाया भाई यहाँ की, बाकी थोड़े से पत्थर निकाल रखे हैं। ठंड लगने शुरू हो गई, चाय पी के आता हूँ उसके बाद फिर से भाई काम पे लग जाना है भाई। तो चले भाई अभी टाइम 6 बज चुके हैं, मेरा काम भी समाप्त हो चुका है, और साथ ही साथ भाई शाम भी होने वाली है, सनसेट भी हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। और अब आगे का काम जो है कि भाई यूट्यूब पे ब्लॉग अपलोड करना है, फेसबुक पर मैंने कल रात 11 बजे से वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखा है। सुबह में हल गया, फ़ोन मैंने घर ही छोड़ रखा था ताकि फेसबुक पर वीडियो अपलोड हो जाए, पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। घर पे आया मैं, हल से घर पे आया देखा 4% हो रखा है, फिर दोबारा से अपलोडिंग पे लगाया, अभी आया काम से ऊपर देखा तो 50% हो रखा है। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने की, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई फेसबुक पर वीडियो कब आएगा, तो इसी कारण से नहीं आ पा रहा है भाई। तो अभी पहले यूट्यूब पे करूँगा, उसके बाद देखी जाएगा भाई फेसबुक पर, कल तक ब्लॉग आप लोगों को फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगा भाई। भाई साहब अभी चांद देखो भाई कितना क्लियर आ रखा है ऊपर, देखो इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना भाई, फोन से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी भाई जबरदस्त वाला व्यू आ रहा है भाई, अभी रात का नाइट व्यू ये रहा हमारे गांव का, ये देखो भाई हमारा गांव पुणे नाइट व्यू भाई पल्ली खोला। तो भाई लाइट भी यार अभी डिम हो चुकी है, रात के 8 बज चुके हैं, और साथ में भाई ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पाया यार आज का, जबकि मैंने 6 बजे से ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया था। अपलोड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगाया, उसके बाद मैं नीचे चला गया रोटी खा के आया, तो अभी देखा भाई 50% चेक किया तो
डाटा ये खत्म हो रखा था भाई, तो ये दोबारा से भाई रिचार्ज किया तब जाके थोड़ा बहुत और अपलोड हुआ, लेकिन अब टाइम हो चुका है इसलिए मैंने पब्लिश नहीं किया वीडियो, अब कल ही पब्लिश करूंगा। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं यार आप लोगों को व्लॉग में दिखाने के लिए, सो इसलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा भीपाड़ी के, तो अगर आप लोग भीपाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर आप लोग पुराने तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना, इसी टाइप से आगे भीपाड़ी की वीडियोज़ देखते रहना, भीपाड़ी को सपोर्ट करते रहना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसी टाइप से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।